बॉलीवुड के कई स्टार संग फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर आर्यन अरोड़ा पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट एकेडमी में आर्यन की गाड़ी हटाने को लेकर केयर टेकर से झगड़ा हो गया था। इस दौरान केयर टेकर ने स्टंप मारकर एक्टर का सिर फोड़ दिया, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोप फरार है और पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। दरअसल शुक्रवार शाम आर्यन अपने दोस्तों के साथ दो कारों से सिकंदरपुर स्थित डिल्लन क्रिकेट अकाडमी में खेलने गया था। यहां पर कार पार्किंग को लेकर उनका अकादमी के केयर टेकर श्री कृष्ण ने विवाद हो गया था। उसने क्रिकेट का स्टंप उठाकर आर्यन के सिर पर मार दिया। दोस्तों ने घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं आर्यन के पिता और सपा नेता मधुकर अरोड़ा ने मामले में थाना न्यू आगरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।